नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। रविवार की शाम अहमदाबाद चार मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरते ही हड़कंप मच गया। ये हादसा इमारत के दो ब्लॉक गिरने की वजह से हुआ। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में लग गई। रविवार की शाम अहमदाबाद में एक चार मंजिला इमारत गिर गई। इमारत गिरने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में लग गई। वहीं राहत बचाव कार्य में लगी टीम ने मलबे से एक व्यक्ति का शव निकाला है, जबकि छह लोगों को सुरक्षित निकाला है। अभी भी मलबे में कई लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। धराशायी हुए इमारत के मलबों में अभी भी लोगों को ढूंढने का काम जारी है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया, शनिवार को इमारत में दरार पड़ने के बाद अहमदाबाद नगर निगम ने इस इमारत को खाली करा दिया था, मगर रविवार को कुछ लोग वापस आ गए और रविवार को शाम में ही ये इमारत गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और छह लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो वहीं एनडीआरएफ और दमकल विभाग अभी भी राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। मलबे में अभी भी कुछ लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है, मगर वहीं इमारत के निर्माण पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। 19 साल पुरानी यह इमारत कैसे गिरी? या इस 50 फीट ऊंची इमारत के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था, या प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही है, या सरकारी मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया? आखिर यह चार मंजिला इमारत कैसे गिरी, ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।